नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिनिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि काल सर्प दोष कैसे बनता है, हस्तरेखा में कैसे देखें। ज्योतिष में आप सबने देखा होगा कि राहु केतु के मध्य में जब सारे ग्रह इकट्ठा हो जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। उसी तरह से अपने हाथों में देखें कि कैसे काल सर्प दोष बनता है, और ये काल सर्प दोष काफी लाइफ को संघर्ष दिलाता है और जीवन में हर उस परेशानियों के साथ खड़ा होता है जहां कि आपको जीवन में परेशानियों का निदान बड़ी मुश्किल से मिलता है। और ये जीवन में बहुत कुछ कष्टमय जीवन दे देता है। अगर हम काल सर्प दोष की बात करें तो जीवन संघर्ष में रहता है, बीमारी से तनावग्रस्त रहता है और जीवन में उनको हर अभाव का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ के तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाली एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है, और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा हमारे दिल के बारे में बताती है। अब हम समझें कैसे कि काल सर्प दोष है आपके हाथों में। काल सर्प दोष बचपन से ही संघर्षमय माना जाता है। अगर अपने हाथों में देखें ना, तो यहां हाथ के स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ ना कुछ ऐसी आकृति आपको मिलेगी, ऐसे चिन्ह मिलेंगे। ऐसे ये आपको जीवन में संघर्ष को दिलाता है और इसका अंत में भी ऐसा आपको मिलेगा। ये पॉइंट आपको अंत में भी ऐसा मिलेगा, और ये जीवन की हर एक घटना आपके जीवन में ऐसी आती रहेगी। जीवन परेशानियों में गुजरेगा आपका, शरीर स्वस्थ न रहना, ये ज्यादातर शरीर स्वस्थ न रहने के बारे में बताती है। और इसके ऊपर सांप जैसे आकार की आकृति बनी होगी, ऐसे ऐसे, और इसी प्रकार से यहां पे भी ऐसे आकृति बनती है जो कि सेहत को खराबी के बारे में बताता है। अगर ये मस्तिष्क रेखा के ऊपर बढ़ती है, अगर यहां पे मस्तिष्क रेखा के ऊपर भी ऐसे बन जाती है तो ये मन के विचारों को खराब कर देती है। अब किसी न किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे, अपने कामों को बिगाड़ के खुद रख लेंगे। अगर यहां पे भी ऐसे सर्प योग बनता है सांप की तरफ से, या इसको हम मस्तिष्क रेखा के विकारों को पैदा कर देता है, और इसी तरह से हमारी हृदय रेखा के ऊपर बनता है, ये हृदय रेखा के ऊपर ऐसे, और ये सांप के आकारों का ऐसे बनता हो चिन्ह ऐसे, तो ये आपके काल सर्प दोष को दर्शाता है। और ये जीवन में काफी संघर्ष करता है, करवाता भी है। और अगर हम रोजगार की बातें करते हैं, व्यवसाय की बात करते हैं, रोजगार की बातें करते हैं, अगर ये काल सर्प दोष बनता है आपके हाथ में ऐसे, और यहाँ पे भी बबल की टाइप का बनेगा ऐसे। ये राहु के क्षेत्र पे अगर आप देखें, ये ज्यादा राहु के क्षेत्र पे आपको ऐसे बबल के निशान ऐसे बनेंगे। ऐसे लोगों का जीवन काफी संघर्ष में हो जाता है, काम धंधे के लिए बड़ी दिक्कतें आती है, और ऐसे लोग कमाते तो बहुत है, कई बार तो बहुत कमाते हैं लेकिन कई बार बिल्कुल भी कुछ नहीं कमाते। जैसे कहते हैं कि खाना खा लिया और सो गया, तो मतलब इस जीवन में तरक्की की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, जीवन परेशानियों का कारण इनका बनता है। और अगर ये सूर्य रेखा के ऊपर ऐसे बनता है ये चिन्ह, ये सूर्य रेखा के ऊपर बनता है ये चिन्ह, तो ऐसे लोगों को
मान सम्मान की प्राप्ति न मिल पाना, सरकार के क्षेत्र में न जा पाना, मतलब अपने आप को एक तरह से ये भी निराश का ही सामना करना पड़ता है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो ये बुध के क्षेत्र से एक रेखा और एक रेखा अगर बबल टाइप की बने, यहाँ पे भी सर्प के आकार का बन जाए ऐसे, तो ये भी काल सर्प दोष को दर्शाता है। और ऐसे लोगों का जो व्यवसाय है, बोलने की कला है, तो ज्यादा खराबी पैदा करता है। अगर ये हार्ट लाइन के ऊपर ऐसी बनता है, अब सूर्य के लाइन के नीचे, तो आंख की रोशनी को भी खराबी देता है। और ये अगर हार्ट के लाइन के ऊपर यहाँ पे बनता है, यहाँ पे ऐसे हार्ट के लाइन के ऊपर बनता है, तो ऐसे लोगों को बीपी, शुगर, इन चीजों की भी प्रॉब्लम देता रहता है। और ये पूरे अगर आपके हाथ में है तो इसका निदान है, आप भगवान शिव की पूजा करें, जल अभिषेक करें, मंडे के दिन आप कर सकते हैं, और या तो शिवरात्रि के दिन आप सांप का नाग नागिन का जोड़ा आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें और जल अभिषेक करें, दूध और दही घी और उसमें डाल के भगवान शिव की पूजा करें, तो इससे काफी राहत मिलती है और जीवन में जो ज्यादा संघर्ष होता है उससे आप निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।